अमृता फडणवीस द्वारा किए गए वक्तव्य राष्ट्रपिता दो होने के वक्तव्य पर विधायक यशोमती ठाकुर बोली कि जिस तरह का ये वक्तव्य किया गया है ये निश्चित ही निषेध करने योग्य है और राष्ट्रपिता एक ही है महात्मा गांधी। इसके साथ ही कई मुद्दों पर यशोमती ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। शीत सत्र का आज का तीसरा दिन है। हमारे साथ विधायक यशोमती ठाकुर है जो कि पहले महिला बाल विकास की मंत्री भी रह चुकी है और पालक मंत्री भी थी अमरावती जिले की। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि लव जिहाद के बाद जो है आंतर जातीय भी कानून बनाया जा रहा है और महिलाओं के कानून में लगातार बदलाव भी होते दिख रहे हैं, इस पर आप क्या? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो मंत्री अभी बनाए गए हैं इनको क्या एक महिला मंत्री मिली नहीं? रही बात अंतरधर्मीय अंतर जातीय, तो वी आर अ सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया और हमें गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने हमेशा प्रोत्साहन दिया है। कुछ उनको रकम भी मिलती है सरकार की तरफ से। अब ये नया बात का बतंगड़ बनाने वाली बात है और आपस में लोग झगड़ने चाहिए, आपस में इनके अशांतता निर्माण होनी चाहिए, यही हेतु ये किया होगा। बिल्कुल, अमृता फडणवीस ने स्टेटमेंट किया है कि राष्ट्रपिता ये दो है, एक महात्मा गांधी के बाद अभी नरेंद्र मोदी का भी नाम वो ले रहे हैं, इस पर आप क्या कहो? हंसी आती है मुझे ऐसी बातों पे। महात्मा गांधी एक है और वो राष्ट्रपिता है और वही रहेंगे और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जिसने हमें स्वतंत्रता दिलवाई, आज 75 साल के बाद में हम लोग उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये संघ और भाजपा वाले जो लोग हैं उनको हमेशा इतिहास बदलना है। वो लोग तो स्वतंत्रता की लड़ाई में कहीं नहीं थे, तो उनके जो कुकर्म है वो किस तरीके से वो छुपा सकते इसके ऊपर उनका हमेशा ही उनकी हमेशा ही बात होती रहती है। लेकिन मामला ये है कि आप गांधी जी को मालूम है किसने मारा, नथुराम गोडसे ने उनको गोलियां चढ़ाई, वो गुजर गए उसमें, उनको मारा गया और एक बार नहीं बार बार वैचारिक रीत्या उनका हमेशा भाजपा और संघ अपमान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गांधी है भैया, मारने से भी जो नहीं मरता उसी को तो महात्मा कहते हैं और वो महात्मा गांधी है, वो अमर है और अमर ही रहेंगे। विपक्ष की ये विधायक थी यशोमती ठाकुर, इन्होंने कहा कि हमें आजकल तो सभागार में बोलने ही नहीं दिया जा रहा, ऐसा उन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन अमोल तुमसरे के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।